अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो रेसिपी मैं आपको सिखाने लगी हूँ वो है चाइनीज चिकन पोटैटो स्टिक। और ये कैसे बनाई जाती है, चलिए आपको सिखाते हैं। सबसे पहले हमने ली है कढ़ाही, इसमें 3 टेबलस्पून घी डाला है, 1 मीडियम साइज प्याज बारीक कटा हुआ, बंद गोभी है 1 पाव बारीक कटी हुई है, और 2 हरी मिर्चें ली हैं। बॉयल्ड चिकन है, मैंने कीमे के जैसा बना लिया है बॉयल करने के बाद। 1/2 किलो ये चिकन है। बॉयल्ड आलू हैं, कद्दूकस कर लिए हैं 1/2 किलो, ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नमक। इसे मिक्स करेंगे और भूनेंगे। 1 टेबलस्पून चाइनीज नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिल्ली सॉस। मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। 1/2 हरा धनिया ऐड करेंगे ग्रीनरी के लिए। मटेरियल हमारा हो गया है रेडी, अब आते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। आग मैंने कर दी है बंद और इसे होने देंगे ठंडा। ये हैं मैंने कच्चे आलू हैं, बॉईल नहीं किए, इन्हें कद्दूकस करूंगी। वॉश कर लिए हैं, अब इनमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून और डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लावर मिक्स हो गया है, इसे रखेंगे। अब बनाएंगे पोटैटो स्टिक। मेरे पास है आइसक्रीम स्टिक, जो थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है वो वाली ली है, और इन्हें मैंने पानी में भिगो लिया है। भिगोने के बाद इसे निकाल लेंगे ताकि इनका पानी ड्राई हो जाए। ऑयल हो चुका है गरम, तो अब हम बनाएंगे पोटैटो स्टिक। एक स्टिक उठाएंगे, हाथों को हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि ये हाथों पे चिपके नहीं। अब इस पर हम लगाएंगे पोटैटो। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसे ऑयल में डालेंगे। जितने चाहे आप आलू इस पर लगा सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा कुरकुरा खाना है तो ज्यादा आलू लगा लें। चाइनीज चिकन पोटैटो स्टिक हमारी हो चुकी है रेडी, और ये बहुत मजेदार और कुरकुरी बनी है। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। मेरी वीडियो होती है यहाँ पे खत्म। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।